चलिए बात करेंगे प्रियंका गांधी के दौरे के। प्रियंका गांधी के लिए बने पंडाल में कई तरह की प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं, जहां पर विशेष तौर पर शिक्षा व्यवस्था को दर्शाया गया है। यहां बंद पड़े स्कूलों को दोबारा विकसित करने की प्रदर्शनी भी है। बताने की प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा ने। कुल 14 अलग अलग योजनाओं के इंस्टॉल यहाँ पर सुसज्जित हैं, जिसमें कुछ इनोवेशंस के भी काम हैं और साथ साथ जो बंद पड़े स्कूल हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि उसका एक डेमो बनाया गया है कि किस तरह से सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलवाद को कम करने के लिए प्रयास किए हैं और जो दूरस्थ और मुश्किल इलाके थे वहाँ पर नए स्कूल खोले हैं। ये उसका एक प्रयोग है। ये क्या बनाया है आप लोगों ने, खंडहर सा दिख रहा है, एक झांकी है क्या ये? सर, नक्सलियों ने जिन स्कूलों को तोड़ दिया था ये वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। जी, 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 और उसके बाद जब तोड़ दिया तो शासन ने टेम्परेरी जो स्कूल बच्चों का संचालन करने के लिए, हमने झोपड़ी में ये स्कूल पहले स्टार्ट किया जी। और अब जा कर के हमारा जो स्कूल है वो आप आगे देख रहे होंगे कि वो इस तरह से फिर से स्कूल जो है हमारी स्थापित हो गई है। तो इस तरह से शिक्षा का जो क्रम है वो टूटा नहीं, जारी रहा। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रियंका गांधी को सरकारी योजनाओं से बस्तर में क्या कुछ बदल रहा है ये इस जगह पर दिखाएंगे।